हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अर्पित विद स्टडी में। आज हम रेलवे ग्रुप डी का विज्ञान का पार्ट 3 मतलब प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले हम विज्ञान के प्रैक्टिस सेट 1 और 2 के 25-25 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं। इसमें 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका स्थान विज्ञान का सामने इस प्रकार है। क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का एक जननांग है। क्या पूछा गया इसमें? अदरक का जननांग पूछा गया है। इसका उत्तर होगा आपका उत्तर नंबर 3, तना। क्या है? तना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, बांस के पौधों की पत्तियों में शिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं। इसका आंसर बताना है तो इसका आपको उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समांतर शिरा विन्यास और रेशेदार जड़। इसको क्या बोल सकते हैं? जकड़ा, मतलब रेशेदार को बोलते हैं जकड़ा। तो समांतर शिरा विन्यास और रेशेदार जड़। ओके फ्रेंड, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूषण कर्षण की यह प्रक्रिया किस परिघटना के कारण होती है। इसका आंसर होगा आपका आंसर नंबर पहला है, वाष्पोत्सर्जन। क्या है इसका? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है अपितु पुष्पों का एक गुच्छा है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, चाइना रोज, गुलाब, धतूरा या सूर्यमुखी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? सूर्यमुखी। सन फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सन फ्लावर। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, विषम को चुनिए, मतलब विषम चुनना है इसमें, अंडा, भ्रूण, अन्नाणु, युग्मक। इसमें विषम बताना है तो इसका विषम होगा आपका भ्रूण। क्या होगा? भ्रूण। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन पूछे गए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही कथन आपको बताना है। तो इसका आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी होगा आपका, अंतःश्वसन एवं उच्छ्वसन दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। ठीक है। ओके बच्चों, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 7 है, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा हो सकता है आपका? इसका ऑप्शन नंबर होगा 4, सॉरी 4 क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। हाँ, जब 14 उपरोक्त सभी कथन सत्य होंगे, तो इसमें कथन क्या क्या दिए गए हैं आपके? तो कथन दिए गए हैं, पहला है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, पौधे के जीवन जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों आवश्यक हैं, ये भी सही बात है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाली सूक्ष्म क्षणिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। ठीक है, इसमें आपके 3 ऑप्शन सही होंगे। इसका आप ऑप्शन नंबर होगा डी, मतलब उपरोक्त सभी कथन सही हैं। ओके, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, क्या होता है जब किसी अम्लीय बेलन में नीले और लाल लिटमस डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं? नीले और लाल लिटमस को डाला जाता है। इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए है, नीले लिटमस पत्र लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? नीले लिटमस पत्र लाल हो जाता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या होगा? नीले लिटमस लाल हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, जल में सल्फर डाइऑक्साइड घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है। तो जल में सल्फर डाइऑक्साइड पूछा है कि
कि जल में अगर सल्फर डाइऑक्साइड को घोला जाए तो पदार्थ का नाम बताना है क्या बनता है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी सल्फ्यूरस अम्ल। क्या बनता है? सल्फ्यूरस अम्ल। तो आपको दोस्तों सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 10 है, टैडपोल किस तालाब के जल में वृद्धि करते हैं? उस जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए? ऑक्सीजन, आयोडीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन। क्या है? आयोडीन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, द्रवों के प्रवाह एवं गाढ़ेपन की माप निर्धारित होती है किसमें होती है? श्यानता में, विलेयता में, परिमाण में या भार में? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आपका उत्तर होगा ए श्यानता में। किसमें होती है? श्यानता, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, लकड़ी का एक गुटका किसी मेज पर ग्राम की अवस्था में है, इस गुटके पर कार्यरत बल बलों के परिपथ में क्या कहा जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन चार दिए गए हैं, इसका उत्तर नंबर होगा सी, इस पर संतुलित बलों का कोई युगल कार्य कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की क्रम, हाँ तो इसमें दांतों का क्रम बताया गया है, तो वो क्रम बताना है आगे से पीछे का, तो इसमें होगा आपका कृंतक, रन्नक, अग्रचर्मणक और चर्मणक। तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा ए कृंतक, रन्नक, अग्रचर्मणक और चर्मणक। ओके, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, कोई साइकिल किसी सीधे सड़क पर नियत चाल से चल रही है, साइकिल के पहिए दर्शाते हैं, तो क्या दर्शाते हैं इसमें? वृत्तीय और स्थानांतरीय गति। तो वृत्तीय तो होगा क्योंकि पहिया कैसा है आपका, वृत्त की आकृति का है, और स्थानांतरीय मतलब वो अपने एक स्थान दूसरे स्थान पर गति कर रहा है, इसलिए उसे स्थानांतरीय गति बोलेंगे। ओके बच्चों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, लाला रस मतलब लार का कार्य है, मतलब लार का कार्य पूछा गया है इसमें, तो कार्य बताने तो कार्य होगा मंड, मतलब स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना, मंड को शर्करा में क्या करना है? परिवर्तित करना है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से सत्य कथन बताना है, तो इसमें फिर कथन आ गया आपके, तो इसमें कथन आपका पहला है, बैकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है जबकि मेलालाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये तो होगा नहीं। इसका दूसरा है, मेलालाइन थर्मोप्लास्टिक है जबकि बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये भी नहीं होगा, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा। तीसरा क्या है, बैकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला होगा ठीक, 16 का सी। अगला प्रश्न है 17वां, निम्नलिखित धातुओं और अधातुओं एवं उनके उपयोगों को सही सुमेलित करना, मतलब से मैचिंग आ गई है आपका, ये धातु अधातु एक कॉलम दिया गया है, दूसरे कॉलम में दिया गया है आपका उपयोग, पहला आयोडीन है, मरकरी है, एल्यूमिनियम है, क्लोरीन है। ठीक है, तो इनके आपको उपयोग बताने और मैचिंग मिलान करना है, सही जोड़ियाँ आप उनको बोल सकते हैं, इसका आपका होगा सी, सी वाला होगा। सी वाला क्या दिया गया है प्रश्न, सी वाला ऑप्शन दिया गया है दूसरा, पहले का क्या होगा, पहले का होगा आपका दूसरे घावों पर होता है आयोडीन। ठीक है, इसके बाद दूसरा इसकी 17 का सी है, हाँ दूसरा, फिर तो दूसरे का तीसरा मरकरी का होगा, तापमापी जानते हैं थर्मामीटर का होता है तापमापी में, पहले का दूसरा हो गया सी। सी का क्या है, फोर्थ, मतलब एल्यूमिनियम का होता है खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग करने में, हाँ ठीक है, क्लोरीन का होता है जल स्रोतों में। ठीक है, तो चौथे का एक है, इसके बाद तीसरे का चौथा है, दूसरे का तीसरा है, पहले का दूसरा है। ओके फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, क्या होगा सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, दैनिक जीवन में संबंधित निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन की, मतलब आपका दैनिक जीवन संबंधित आ गया है, तो इसका आपका आंसर होना चाहिए 18 का है ये, इसका आपका होगा सी, मतलब सी में क्या है, सी में है सभी रासायनिक परिवर्तन, मतलब दो सब होते हैं, चीजी के कांडे से उत्पन्न जलन का शांत करने के लिए कैलामिन का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है, जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है, ये तो कॉमन सी बात है, ये भी आपका सही है। ठीक है, इसके बाद ये भी सही है, ये भी सही है, सेब के टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो भूरा हो जाता है, ये भी सही है, तो इसका होगा आपका सी, मतलब सही परिवर्तन सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है,
हवा ऊष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठ जाती है तथा पार्श्वों से आकर हवा इसका स्थान ले लेती है। इसी प्रकार हवा तेल हीटरों से भी गर्म होती है। यह कौन सी प्रक्रिया है? तो उस प्रक्रिया का आपको नाम बताना, तो उसका आंसर होगा ए, संवहन। कौन सी है? संवहन प्रक्रिया, बिल्कुल सही है ए। अगला प्रश्न, प्रश्न 20 है, सल्फर एल्यूमिनियम और लोहो मतलब लोहा एफी के गलनांक 0°C में क्रमशः 113, 666 और 1535 हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें सही बताना है, तो इसका आपका होगा बीच का बी, एल्यूमिनियम तथा एफी 200°C तापमान पर ठोस हैं। ऑप्शन नंबर 20। 21वां है, स्थिर अवस्था में द्रव कैसा होता है? इसका होगा सी, सभी दिशाओं में दबाव डालता है। 21 का स्थिर अवस्था में द्रव होता है ना, जो सभी दिशाओं में दबाव डालता है, बिल्कुल सही है 21 का सी। 22 का है, पढ़ने में काम आने वाले चश्मे में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता भी सकते हैं, बाकी मैं तो इसको बताऊंगा ही। तो पढ़ने की जो लेंस चश्मा होता है उसमें कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? उसमें करते हैं अपन उत्तल लेंस, किस करते हैं? उत्तल लेंस का, ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 24 है, इसके 24 आपका क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गति का उदाहरण नहीं है? तो गति का उदाहरण पूछा गया है, तो इसमें कौन सा नहीं है? विद्युत घंटी के हथौड़े की गति। हाँ सही बात है, तो विद्युत घंटी के हथौड़े की कोई गति नहीं होती, तो कौन सा आपका विद्युत घड़ी का घंटी का उदाहरण? विद्युत घंटी के हथौड़े की गति क्या है? कोई गति नहीं होती। गति मान कार में बैठे लड़के की कार की गति होती है, मेरी शो राउंड में बैठे लड़के की गति होती है, बल्लेबाज द्वारा भारी गई मारी गई क्रिकेट बॉल की गति होती है। ठीक है, इसका आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है, लैंगर हेंस की दीपिकाएँ किसमें पाई जाती हैं? ऑप्शन अमाशय, यकृत, अग्नाशय या हृदय। इसका आपको 25 का होगा सी, अग्नाशय में। ओके फ्रेंड्स और बच्चों, अगर आपको ये विज्ञान के 25 क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो उनको फिर से पढ़ें और शेयर भी करें, ताकि हम आगे जाके आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चनों को आपके सामने पेश कर सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद एंड जय हिंद।